फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल दैट इज द ई वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द टेट जैकी, इफ डी एफ बाई बी इज ग्रेटर देन वन देन दैट इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। एंड अकॉर्डिंग टू स्किम्पटन, इफ डी एफ बाई बी इज ग्रेटर देन 2.5 देन दैट विल बी डीप फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूजेस, कहाँ पर डीप फाउंडेशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा। जनरली वन हार्ड स्ट्रेटा इज नॉट अवेलेबल नियर द ग्राउंड लेवल। ठीक है, जनरली अगर हमारा हार्ड स्ट्रेटा ग्राउंड लेवल पर नहीं है, सॉइल जो है हमारा वो सॉफ्ट सॉइल है और हार्ड स्ट्रेटा बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है, तो वहाँ पर हम लोग को यूज करना पड़ेगा डीप फाउंडेशन। ठीक है, और कौन सी कंडीशन में? व्हेन द स्ट्रक्चर लोड इज टू हैवी। अगर हम लोग को हाई राइज बिल्डिंग बनाना है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना है, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर का जो लोड रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए वहाँ पर फाउंडेशन में हम लोग को डीप फाउंडेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। पाइल दैट विल बी पाइल फाउंडेशन, पायर फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन एंड काइसन फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन कहाँ पे यूज होगा? जो पाइल फाउंडेशन है वो दैट इज यूज व्हेन रिक्वायर्ड बियरिंग कैपेसिटी इज अवेलेबल एट ग्रेटर डेप्थ। जो बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल का, अगर ग्राउंड लेवल पे जो सॉइल है वो सॉफ्ट सॉइल है, उसका बियरिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है, तो हम लोग को पाइल फाउंडेशन यूज करना पड़ेगा। और उसका डेप्थ कितना होगा? जितना डेप्थ पे हमारा हार्ड स्ट्राटा मिलेगा उतना डेप्थ तक हम लोग को पाइल का डेप्थ को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पायर फाउंडेशन। पायर फाउंडेशन कहाँ पे यूज होगा? व्हेन द लोड टू बी ट्रांसमिटेड आर हेवियर देन द लोड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द पाइल्स। जनरली पायर फाउंडेशन जैसे ही बनता है, पायर फाउंडेशन वैसे ही बनता है, बट पायर फाउंडेशन एक कंडीशन पे यूज होगा, अगर पाइल फाउंडेशन जो है वो थोड़ा कम लोड लेता है, बट पायर फाउंडेशन वो उससे ज़्यादा लोड लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूज वेल फाउंडेशन। एंड वेल फाउंडेशन जनरली यूज अंडर ब्रिज पायर्स एंड अबटमेंट्स। वो जो रहता है एक बहुत बड़ा होल, हलो ओपनिंग की तरह रहता है, ऐसे सर्कुलर की तरह बनता है हमारा ये जो वेल फाउंडेशन, ऐसे एक बड़ा वाला गड्ढा खोलते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग को फाउंडेशन को डालते हैं, मतलब कंक्रीट वगैरह डाल के फाउंडेशन यहाँ से शुरू करता है। ये सर्कुलर टाइप का रहता है और जनरली वो लार्ज ओपनिंग रहता है, होलो ओपनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए काइसन फाउंडेशन। काइसन दैट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, टायर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स दैट रिक्वायर फाउंडेशन बीनेथ रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। काइसन फाउंडेशन जो है वो जनरली हम लोग अगर वाटर बॉडीज के अंदर, समंदर के अंदर या फिर रिवर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि ब्रिज का जो कि अबटमेंट बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग को पहले काइसन को डालना पड़ेगा। ये क्या करता है, ये जो काइसन है ये पानी को रोक लेता है। सपोज यहाँ पे मुझे फाउंडेशन बनाना है, तो मैं यहाँ पे काइसन को डाल दूँगी, तो ये यहाँ से ये पानी को रोक लेता है, तो यहाँ पे जो पानी अंदर जो पानी रह गया उसको हम लोग निकाल लेते हैं बाई पम्प, तो पम्पिंग आउट करके पानी को निकाल देते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग हमारा कंस्ट्रक्शन काम चालू करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ लोड। डीप फाउंडेशन का टाइप्स को बेस्ड ऑन द बेसिस ऑन मैकेनिज्म ऑफ लोड ट्रांसफर। तो दोज आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट वन इज एंड बियरिंग पाइल्स, नेक्स्ट फ्रिक्शन पाइल्स, नेक्स्ट बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स। तो एंड बियरिंग पाइल्स क्या है? एंड बियरिंग पाइल्स ये वो है, अगर हम लोग एक पाइल्स यहाँ पे गाड़ रहे हैं, ठीक है, और इसके बेस से सिर्फ अगर हमारा सॉइल जो है सिर्फ उस वो बेस वाले जो सॉइल है वही रेजिस्ट कर रहा है हमारा जो लोड आ रहा है ऊपर से, अगर बेस वाले सॉइल अगर सिर्फ रेजिस्ट कर रहा है तो वही होगा हमारा एंड बियरिंग, क्योंकि ये जो रेजिस्ट हो रहा है लोड्स ये सिर्फ एंड में ही होता है, पाइल्स के एंड में ही होता है, तो ये इसको इसलिए बोलते हैं एंड बियरिंग पाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रिक्शन पाइल्स। फ्रिक्शन पाइल्स ये जनरली क्लेई सॉइल में रहता है या फिर सॉफ्ट सॉइल में इसको गाड़ते हैं, और ये जो रेजिस्ट करता है लोड को ये बाय द फ्रिक्शन, एंड ये साइड में ही रहता है, ये बेस में नहीं होता है, ये जो लोड को रेजिस्ट करता है ये पाइल्स की साइड में
साइड में ही इसका लोड को रजिस्ट करता है, फ्रिक्शन के बाय फ्रिक्शन ये लोड को रजिस्ट करता है। नेक्स्ट है बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स, ये दोनों का कम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हमारा सॉइल जो है वो कुछ ही डेप्थ के तक सॉफ्ट है, फिर हमारा वो हार्ड स्ट्रेटा है, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा बियरिंग कैपेसिटी का सॉइल है, तो वहाँ पर हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, ताकि वो वहाँ पे बियरिंग एंड बियरिंग के वजह से हम लोग को रेजिस्टेंस दे सकेगा, और यहाँ पे सॉफ्ट क्ले के लिए वो फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस दे सकेगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो फर्स्ट वन इज एंकर पाइल्स। एंकर पाइल्स देखो, यहाँ दीज पाइल्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एंकरेज अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल पुल फ्रॉम सीट पाइल्स और रिटेनिंग वॉल। ठीक है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, अगर वहाँ पे हमारा समंदर पे कोई भी सीट पाइल्स है और वहाँ पे वेव का फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो इसको ये हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से ये पाइल्स जो है ये अपनी जगह से हिल सकता है, तो इसको उसी जगह पे रहने के लिए हम लोग एक एंकरेज पाइल यूज करेंगे। जैसे कि ये ऐसे एंकरेज बनेगा तो ये ऐसे उसको पकड़ के रखेगा अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये वाला पाइल्स को बोलेंगे एंकर पाइल्स। नेक्स्ट देखिए सीट पाइल्स। सीट पाइल्स दीज आर प्रोवाइडेड बिलो द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर टू मिनिमाइज अपलिफ्ट फोर्स और टू प्रिवेंट पाइपिंग फेलियर। जो सीट पाइल्स है इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नीचे, ये डाउनस्ट्रीम में प्रोवाइड करते हैं सीट पाइल को, ताकि हमारा ये जो वाटर का फोर्स होगा ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्रैवलिंग लेंथ जो होगा ये बढ़ जाएगा, और ये जो फोर्स का पावर होगा तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर को हम लोग कम कर सकते हैं और पाइपिंग फेलियर को भी कम कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सीट पाइल्स। नेक्स्ट है कंपैक्शन पाइल। पाइल्स ड्रिवन इन ग्रानुलर सॉइल्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव डेंसिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी। ये जो कंपैक्शन पाइल है हम लोग ये यूज़ करते हैं ग्रानुलर सॉइल, जैसे कि हमारा सैंडी सॉइल्स, तो यहाँ ये जो काम करता है क्या, कंपैक्ट करता है सॉइल को, ताकि सॉइल का डेंसिटी बढ़ जाए, तो डेंसिटी बढ़ने से हमारा बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए फेंडर पाइल्स। फेंडर पाइल्स क्या है, दिस पाइल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट कॉन्क्रीट डेक और अदर इनसाइड वाटर स्ट्रक्चर व्हिच कॉज्ड बाय द वेव्स जनरेटेड बाय सीप्स एंड सेस्मिक एक्शन। जनरली सीप्स अगर हमारा वाटर में चल रहा है तो उसकी वजह से कुछ वेव का जनरेशन होता है, या फिर सेस्मिक फोर्स की वजह से वेव्स का जनरेशन होता है, तो वो अगर हमारा पानी के अंदर कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर इफेक्ट डालता है और हमारा स्ट्रक्चर टूट सकता है। तो इसको बचाने के लिए उसके साइड में और एक पाइल्स डालते हैं, वो है हमारा फेंडर पाइल्स। ठीक है, तो ये जो फेंडर पाइल्स है अगर ये वर्टिकल भी रह सकता है, ऐसे ही इंक्लाइंड भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको इंक्लाइंडली प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डॉल्फिन पाइल्स, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बैटर पाइल्स। दीज आर ड्रिवन इन इंक्लाइंड डायरेक्शन टू रेजिस्ट द लार्ज हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड फोर्स। अगर हमारा इंक्लाइंडली कोई फोर्स आ रहा है या फिर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स आ रहा है, तो हम लोग उसको एक इंक्लाइंड पाइल्स यूज करते हैं उसको रजिस्ट करने के लिए, और ये वाला पाइल्स को बोलते हैं बैटर पाइल्स। नेक्स्ट है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल्स। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल दैट इज जनरेटेड बाय QUP दैट विल बी इक्वल्स टू QEB प्लस QSF। तो QEB क्या है, रेजिस्टेंस ड्यू टू एंड बियरिंग, एंड QSF क्या है, रेजिस्टेंस ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन। तो हमारा जो पाइल्स होता है टोटल उसका रेजिस्टेंस, लोड का रेजिस्टेंस कौन कौन करता है, ये एंड में जो सॉइल है और साइड में जो सॉइल है, तो एंड में जो सॉइल के वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू एंड बियरिंग, एंड ये साइड में जो होता है उसको बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन। तो दोनों को मिला के हमारा हो जाएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है अलाउबल लोड ऑन पाइल, कितना अलाउ हो सकता है, QUP डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जितना अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना ले सकते हैं, 2.5 to 4, एंड जनरली 2.5 लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए अंडर रिमेड पाइप। अंडर रिमेड पाइप क्या है, ये ऐसे होता है, ऐसे इसका स्टेम रहता है और एक बॉल्व रहता है, फिर स्टेम रहता है, ऐसे रहता है अंडर रिमेड पाइप। एंड
इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। बोर्ड कास्ट इन सिटू कंक्रीट पाइल, बोर्ड कास्ट इन सिटू का मतलब पहले गड्ढा खोलते हैं फिर हम लोग उसमें कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बोर्ड कास्ट इन सिटू। देन नेक्स्ट देखिए, यूज्ड इन एक्सपेंसिव सॉइल यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल में यूज होता है अंडर रिमेड पाइल्स। देन जो बल्ब रहता है, ये जो बल्ब डायमीटर विल बी 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द पाइल स्टेम, ये जो स्टेम है इस स्टेम का 2.5 टाइम्स रहेगा जो बल्ब का डायमीटर। मिनिमम लेंथ ऑफ पाइल इन डीप सॉइल इज 3.5 मीटर, डीप सॉइल में मिनिमम लेंथ रहेगा हमारे 3.5 मीटर। एंड इन मल्टी अंडर रिम्ड पाइल्स सेंटर टू सेंटर वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ बल्ब इज 1.5 टाइम्स ऑफ बल्ब डायमीटर। अगर हम लोग मल्टी अंडर रिमेड पाइल्स यूज करेंगे, ये देखिए मल्टी अंडर रिमेड पाइल्स मतलब मल्टीपल जो बल्ब रहेगा, ठीक है, तो ये मल्टीपल हो गया मतलब दो बल्ब हो गया, तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा 1.5 टाइम्स ऑफ द बल्ब डायमीटर, इसका डायमीटर जितना है इनटू 1.5 टाइम्स, और ये डायमीटर कितना होगा 2.5 टाइम्स ऑफ द स्टेम, ये स्टेम का डायमीटर जितना है उसका 2.5 टाइम्स होगा हमारा बल्ब का डायमीटर। नेक्स्ट है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, तो मैंने बोली थी कि सॉफ्ट सॉइल में जनरली स्किन फ्रिक्शन का जनरेशन होता है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कब होता है, देखिए अगर हमारा सॉइल ऐसा है कि नीचे वाला जो सॉइल है उसका बेयरिंग कैपेसिटी जितना है ऊपर में जो सॉइल है उसका बेयरिंग कैपेसिटी इससे बहुत ही कम है, ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज ये नीचे वाला सॉइल का ये जो नीचे वाला सॉइल है वो मीडियम बेयरिंग कैपेसिटी का है और ये ऊपर वाला है लो बियरिंग कैपेसिटी का सॉइल यानी कि सॉफ्ट सॉइल है, तो फिर यहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा साइट में ये होगा पॉजिटिव फ्रिक्शन और ये हो जाएगा नेगेटिव फ्रिक्शन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो जो सॉइल है वो स्किन फ्रिक्शन उसका ज़्यादा नहीं रहेगा और यहाँ पे थोड़ा बहुत तो स्किन फ्रिक्शन रहेगा, बट इसके वजह से क्या होगा हमारा पाइल्स जो होगा वो नीचे आ जाएगा, पाइल्स फेलोर हो जाएगा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वजह से, लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल्स का बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों जनरेट होता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, ये एक तो कॉज मैंने बताई, ये जो नीचे वाला सॉइल है इसका बियरिंग कैपेसिटी थोड़ा मीडियम रहता है और इसका बहुत ही कम रहता है बियरिंग कैपेसिटी, और एक कॉज है कि वाटर टेबल अगर हमारा घट जाए तो फिर हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होता है, और एक कॉज है कि अगर हमारा लोड जो है ऊपर से जो लोड आ रहा है वो सडनली बढ़ जाए, और एक कॉज है कि अगर सेस्मिक एक्शन और डायनेमिक एक्शन उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, डिस्टर्बेंस कुछ हो जाए डायनेमिक एक्शन में और सेस्मिक एक्शन में, तो फिर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होता है। नेक्स्ट देखिए ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल, ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल मतलब हम लोग इंडिविजुअल एक एक पाइल नहीं लेते हैं, कुछ ग्रुप में लेते हैं, नंबर ऑफ पाइल्स लेते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप एक्शन आर 3 एंड विच कैन अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम लोग उसको ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर में 3 पाइल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कौन से शेप में प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में भी यूज कर सकते हैं, जनरली स्क्वायर शेप में यूज होता है। नेक्स्ट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन एंड बियरिंग पाइल इज 2.5D टू 3D, अगर हम लोग एंड बियरिंग पाइल्स यूज कर रहे हैं तो जो ग्रुप में अगर पाइल यूज करेंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एक पाइल्स और दूसरे पाइल्स के डिस्टेंस दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा 2.5 टू 3D, D है हमारा डायमीटर ऑफ द पाइल्स, तो जनरली हम लोग 3 × D यूज करते हैं, 3D डिस्टेंस यूज करते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पाइल्स। अगर वही हमारा स्किन फ्रिक्शन पाइल है देन उसका स्पेसिंग हो जाएगा 3D टू 4D और जनरली वो भी होगा हमारा 3D डिस्टेंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए पाइल ग्रुप इन सैंड, अगर सैंड में हम लोग ग्रुप ऑफ पाइल यूज कर रहे हैं तो फिर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल्स एक्टिंग इंडिविजुअली, एक एक अगर इंडिविजुअली हम लोग कैलकुलेट करेंगे अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी और सारे को मिला देंगे तो उससे ज़्यादा होगा लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप में अगर यूज किया हुआ जो पाइल्स।
अगर वही पाइल ग्रुप इन क्ले, अगर हम लोग क्ले में यूज कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पाइल, तो फिर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल अगर पाइल में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल के उसको मिला लेते हैं, और ग्रुप में निकाल के ग्रुप का जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, तो दैट मे बी ग्रेटर और मे नॉट बी, मतलब ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस देन भी हो सकता है या फिर इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सैंड में अगर यूज करेंगे तो ग्रुप एक्शन जो होगा वो ग्रेटर देन द इंडिविजुअल एक्शन हो जाएगा, अगर क्ले में यूज करेंगे तो दैट मे बी ग्रेटर मे नॉट बी ग्रेटर और मे बी इक्वल। नेक्स्ट देखिए ग्रुप सेटलमेंट रेशियो। ग्रुप सेटलमेंट रेशियो क्या है? दैट विल बी सेटलमेंट ऑफ द पाइल ग्रुप डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल पाइल। ग्रुप में सेटलमेंट कितना हो रहा है और इंडिविजुअल पाइल में कितना सेटलमेंट हो रहा है, दोनों का रेशियो को बोलते हैं ग्रुप सेटलमेंट रेशियो।